यदि आप नहाए भी नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं है, सूर्य भगवान निकल के आ गए हैं, पीछे चले जाया करो, यहाँ रुके हैं तो गौशाला, जहाँ गौ माता का जो क्रीड़ा क्षेत्र है, जहाँ रात्रि को गैया सोती हैं। यदि किसी को डायबिटीज है और कोई ऐसी बीमारी है, ये मैं बहुत आनंद के साथ कह रहा हूं, सुबह आधा पौना घंटा वहां घूम लिया करो। नहीं भी है तो जीवन में कभी होगी नहीं, वहां गौ माता का रात भर गोबर और गौमूत्र गिरता है वहां पे, वो तो औषधालय है समझ लो बिल्कुल एकदम। थोड़ी देर वहां आसन लगा के आप बैठेंगे, आपके फेफड़े मजबूत हो जाएंगे, इतनी बढ़िया जगह है। मैं रोजाना सुबह एक आधा घंटा घूमता हूं, इसलिए घूमता हूं कि भविष्य में कभी डायबिटीज की बीमारी न हो। प्राय वक्ता लोगों को यह बहुत जल्दी होती है, क्योंकि वो 5-5 घंटा बाथरूम रोक के बैठते हैं, प्यास को बुझा करके बैठते हैं, बड़ा कंट्रोल करके बैठना होता है। तो बैठने से ये पनपती है, भूख मारने से ये पनपती है। तो उसके लिए आप पीछे घूमिए, उससे स्वास्थ्य बहुत ठीक रहेगा, बढ़िया रहेगा। तो ये श्लोक इतना अद्भुत है कि इसके ऊपर चाहे जितना बोला जा सकता है। कायेन वाचा मनसेन्द्र यर्वा बुद्ध्यात्मनावान् दशभावात् करोति यदियत् सकलं परस्मै नारायणा येति समर्पयेतत्। मन वचन और कर्म से भगवान के बन करके रहें, तभी रह पाएंगे जब इस शरीर से हिसाब मांगोगे। हिसाब मांगोगे शरीर से तो यह अपराध नहीं करेगा, नहीं तो शरीर बहुत पाप करता है। इंद्रियां इतनी खतरनाक है, दसों खतरनाक है, और दस को जिस दिन काबू में कर लोगे उस दिन दशरथ बनकर परमात्मा को बेटा बना करके प्रकट कर दोगे। हम बहुत छोटे थे तब एक दोहा बोला जाता था, राम राम सब कोई कहे दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल हो। सबरे सीताराम सीताराम राधेश्याम सब कहते हैं, लेकिन दशरथ कहे न कोई। इंद्रियों को वश में करके नहीं कहते,